विधानसभा सीट मांडर। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से एक मांडर विधानसभा सीट है। ये सीट लोहारदगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। झारखंड बनने के बाद अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो साल 2005 में इस सीट पर यूनाइटेड गोवास डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूजीडीपी के बंधु तिर्की विधायक चुने गए। 2009 में बंधु तिर्की ही जेएचजेएम के टिकट पर विधायक बने, तो वहीं 2014 में बीजेपी के गंगोत्री कुजूर विधायक बने। इस बार बीजेपी ने देव कुमार धान को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने सन्नी टोपो को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बंधु तिर्की जेवीएम के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। साल 2019 में हो रहे चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीट पर कुल 3,19,299 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,63,879 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,55,420 है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी की गंगोत्री कुजूर ने एआईटीसी के बंधु तुर्की को 7,605 वोटों से हराकर अपना परचम लहराया था। गंगोत्री कुजूर को कुल 54,200 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बंधु तुर्की को कुल 46,595 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय देव कुमार धान को कुल 38,801 वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेएचजेएम के बंधु तिर्की ने कांग्रेस के देव कुमार धान को 29,971 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। बंधु तुर्की को कुल 58,924 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के देव कुमार धान को कुल 28,953 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरएकेएपी के चामरा लिंडा को 27,073 वोटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं साल 2005 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर यूजीडीपी के बंधु तुर्की ने कांग्रेस के देव कुमार धान को मात्र 20,232 मतों से शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया था। बंधु तिर्की को कुल 56,597 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे देव कुमार धान को 36,365 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरएकेएपी के डॉक्टर दिवाकर मिंज को 26,800 वोट मिले थे। झारखंड बनने के बाद इस सीट पर हुए 3 विधानसभा चुनाव के परिणामों पर विश्लेषण करें तो इस सीट पर बंधु तिर्की का दबदबा रहा है। 2005 और 2009 में वो विधायक चुने गए थे, तो वहीं 2014 में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार देखना होगा कि बंधु तिर्की जेवीएम को ये सीट दिलवा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।